नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन रिक्वायरमेंट लेकर आए हैं। तो आज के इस वीडियो साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने गूगल ओपन कर लिया है। गूगल पर यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कर देना है सरकारी रिजल्ट। जैसे यहां पर आप सरकारी रिजल्ट लिखकर सर्च करोगे तो यहां पर फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगी सरकारीरिजल्ट.com। दोस्तों, यहां पर डोमेन नेम चेक कर लीजिएगा, .com ही हो, .info वगैरह ना हो। फिर आप बोलोगे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट मिली नहीं रही है, तो यहां पर इसीलिए डोमेन नेम का ध्यान रखिए। यहां पर मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक किए देता हूं, जैसे क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आता हूं तो देखिए, आज हम जिस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो है पटना हाईकोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आती है और 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो यहां पर आप इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल रहोगे। यहां पर आपको सेकंड नंबर पर लिंक दिख रही होगी, सिंपली यहां पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीका का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहां पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है तो यहां पर 7 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट रखी गई है और 17 मार्च 2022 इसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए थे। और साथ ही साथ यहां पर 9 अप्रैल 2022 इसकी एग्जाम फीस पे करने की लास्ट डेट रहेगी। यहां पर एग्जाम डेट नोटिफिकेशन सून है। यहां पर फीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की ₹1000, एससी एसटी हैंडीकैप की यहां पर ₹500, जिसे आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड यूपीआई किसी भी माध्यम से पे कर सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर एज लिमिट के बारे में बात की लेते हैं। 18 होने वाली है मिनिमम, मैक्सिमम आपकी 37 और फीमेल कैंडिडेट की 40 यहां पर मैक्सिमम एज रहने वाली। यहां पर साथ ही साथ आरक्षण के अनुसार भी आपको एज लिमिट में छूट देखने को मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं यहां पर टोटल वैकेंसी की, तो यहां पर 30 वैकेंसी दी गई है टोटल। अगर आप आवेदन करना चाहो तो जरूर कीजिएगा। मैं यहां पर इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए फोर्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर फीस बहुत ज्यादा है, तो यहां पर हो सकता है बहुत ही कम आवेदन आए। तो यहां पर अगर आप आवेदन करते हो और आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी खासी है तो यहां पर आपकी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक ही रिक्वायरमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की और 30 पोस्ट है, और जिसके लिए आपको चाहिए होगी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब कि किसी भी विषय से किसी भी परसेंटेज में आपने यहां पर बैचलर डिग्री कर रखी है और यहां पर 6 महीने का एक कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, और साथ ही साथ यहां पर आपने अगर हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग कर रखी है तो यहां पर आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको देखिए चार्ट देखने को मिल जाएगा कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह में कैसी क्या यहां पर वैकेंसी दी गई है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ और आ जाते हैं तो यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन लॉग इन डाउनलोड नोटिफिकेशन ज्वाइन टेलीग्राम लिंक और यहां पर पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट, सभी लिंक यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। शुरुआत में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तो लॉगिन करके आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है, पेमेंट वगैरह कर देनी है। इसके नोटिफिकेशन की बात की जाए तो यहां पर आपको पीडीएफ दिया गया है, क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। यहां से आपको सिलेबस और हर एक बारीकी से जानकारी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, क्या कैसे क्या सेंटर वगैरह किस तरीके से भरना है, सारी डिटेल ए टू जेड यहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहां पर आप इस नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और यहां पर अधिक जानकारी के लिए आप इसके टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हो, सरकारी रिजल्ट के टेलीग्राम पेज में, जहां पर आपको पता चलता रहेगा कि यहां पर क्या कैसे क्या इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह है, कब कैसे क्या इसके एडमिट कार्ड आएंगे और कब इसके एग्जाम होंगे। तो यहां पर उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आपको सारी डिटेल्स समझ आ चुकी होगी बारीकी से। अगर डिटेल्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।